लोकसभा चुनावों के आत्म मंथन को लेकर बुधवार को टुंडी रोड के उत्सव उपवन में जेएमएम की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सूबे की मंत्री बेबी देवी, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, टुंडी विधायक मथुरा महतो, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू आदि शामिल हुए। बैठक में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन जेएमएम के इस महत्वपूर्ण आत्म मंथन बैठक में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने अपने चिर परिचित अंदाज में गिरिडीह के एनडीए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जिस सांसद को दिल्ली, रामगढ़ और रांची से फुर्सत नहीं, 5 साल में जिसने गिरिडीह की तरफ सही से देखने का वक्त तक नहीं निकाला, अब उन्हें दूसरी बार भाजपा गठबंधन एनडीए से चुनाव लड़ रही है। हालत साफ है, आजसू नेता और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर गिरिडीह के भाजपा मतदाता भी घरों से निकलने में परहेज करेंगे। ऐसे में इसका पूरा फायदा जेएमएम के एक एक कार्यकर्ता को उठाना है और भाजपा मतदाता को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो के लिए समर्थन दिलाना है। अगर जेएमएम और इंडिया गठबंधन के साथी इसमें सफल हो गए तो मथुरा महतो को गिरिडीह का सांसद बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अन्य नेताओं ने भी यहां बारी बारी से अपने विचार रखे। बैठक में अजित कुमार पप्पू, परमिला मेहरा, गीता हाजरा, शहनवाज अंसारी, सईद अख्तर, रॉकी सिंह, राकेश रंजन, टूना सिंह, कुमार गौरव समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। 40,000 के चुनाव में हम लोगों को ये लगता था कि 40,000 मतों के अंदर हम लोग पार्ट लेंगे और 19 का चुनाव हम लोग जीत लेंगे, लेकिन परिस्थितियां शायद हमारे अनुकूल नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने बालाकोट और पुलवामा के शहीदों के नाम पर जो वोट का खेल चलाया, नतीजे आपके सामने थे। लेकिन अगर आप 2019 के बाद 2024 की तरफ नजर डालते हैं तो आपको ये लगता है कि परिस्थितियां बड़ी बदली हुई, और आज इन बदली हुई परिस्थितियों में देश के पैमाने पर जो होगा, झारखंड राज्य के पैमाने पर जो होगा, वो तो आएगा ही सामने। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक चीज है कि गिरिडीह लोकसभा के पैमाने पर जो कुछ होने जा रहा है इसकी वानगी कहीं नहीं अपने एमपी के नाम पर खामोश और चुप हो जाएगा। और उसी जगह आपको बोलना है कि हम लोग जिस प्रत्याशी को दे रहे हैं वो इसी लोकसभा का है, इसी क्षेत्र का है, पड़ोस की विधानसभा का है, तो कभी ये परेशानी आपको नहीं आएगी कि एमपी साहब से अगर काम है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, रांची जाना पड़ेगा। हमारा प्रत्याशी एमपी बनने के बाद भी क्षेत्र में रहेगा, आप लोगों के बीच में रहेगा। और दूसरी बात संक्षेप में ही करते हुए हम आज आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि कार्यकर्ता अगर सीना नहीं लड़ाएगा तो पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त नहीं।